27 मई 1997 आसमान में लगातार धमाकों की आवाज सुनकर इस्लामाबाद के कई निवासी सदमे में अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ भी नहीं देखा जा सका, लेकिन उनमें से तो बहुत कुछ लोग समझ गए कि यह आवाज क्या थी। यह एक सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न सुपरसोनिक बूम था, जो तब होता है जब विमान ध्वनि की रफ्तार को पार करता जाता है। इस आवाज का स्रोत भारतीय वायुसेना का एक MiG-25 विमान था, जिसे पाकिस्तान की गुप्त निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उस दिन मिशन से वापस लौटते समय विमान के सुपरसोनिक गति से प्रवेश होने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए। यह पहली बार नहीं था जब भारतीय MiG-25 विमान द्वारा पाकिस्तान पर गुप्त निगरानी की गई हो, लेकिन यह पहली बार था जब पाकिस्तान की आम जनता को इसके बारे में पता चल गया। हालांकि पाकिस्तानी सरकार को पता था कि भारत के पास यह विमान है, लेकिन उन्हें यह बात गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका कारण क्या था? यह वीडियो दिग्गज विमान MiG-25 फॉक्सबैट के बारे में है। कई अन्य प्रतिष्ठित हथियारों की तरह MiG-25 की उत्पत्ति का कारण भी शीत युद्ध ही था। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन पर लगातार निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने अपने जासूसी विमान U-2 को तैनात किया था। क्योंकि यह विमान 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था, कोई भी सोवियत फाइटर जेट इस विमान के पास भी नहीं पहुंच पाता था। हालांकि 50 के दशक के उत्तरार्ध में यह स्थिति समाप्त हो गई, क्योंकि सोवियत संघ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें विकसित की। USSR के एक U-2 विमान को भी मार गिराया गया। हालांकि USSR जानता था कि अमेरिकी जेट द्वारा उत्पन्न खतरे का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए उन्हें उस ऊंचाई पर काम करने में सक्षम इंटरसेप्टर जेट विकसित करना होगा। इसका उद्देश्य एक ऐसे जेट का निर्माण करना था जो न केवल अमेरिकी जासूसी विमानों का मुकाबला कर सके, बल्कि अन्य हाई एल्टीट्यूड वाले B-52 और B-58 जैसे बमवर्षक का भी मुकाबला कर सके। फिर उन्होंने ऐसा विमान बनाया और 1970 से यह सोवियत सेना का हिस्सा बन गया। इस विमान की विशेषता सुपरसोनिक स्पीड और हाई सर्विस सीलिंग थी। MiG-25 के पास पारंपरिक लड़ाकू विमानों के मुताबिक सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उस समय कोई अन्य विमान नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर इतनी तेजी से यात्रा कर सके। नतीजतन कुछ भी अमेरिका की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी MiG-25 से मुकाबला नहीं कर सकी। ये न केवल इंटरसेप्शन के लिए बल्कि सर्विलेंस और बॉम्बिंग के लिए भी बेहतरीन थे। वे अपने पंखों में 500 किलो तक के 6 बम ले जा सकते थे, लेकिन सच तो यह था कि 60,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से 2.5 मैक की रफ्तार से उड़ने वाले विमान से यदि कोई सामान्य बम गिरा तो वह अपने निर्धारित लक्ष्य से कई किलोमीटर दूर ही गिरेगा। सोवियत संघ ने बाद में MiG-25 को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इसमें जोड़ी। सोवियत संघ ने शक्तिशाली विमान के अस्तित्व को गुप्त रखा था। अमेरिका और नाटो ने MiG-25 की विशेषताओं को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने इस रहस्यमय विमान को फॉक्सबैट उपनाम दिया। इसे एक मल्टीरोल फाइटर समझकर अमेरिका ने अपनी F-15 योजनाओं को भी तेज कर दिया। अमेरिका को इसका असली मकसद तभी समझ में आया जब एक सोवियत पायलट ने MiG-25 को हाईजैक कर लिया और जापान भाग गया। MiG-25 विमान की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद अमेरिका को अपने आगामी हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर जैसे कई परियोजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में भारत को MiG-25 जेट की पेशकश की थी। भारत निगरानी के लिए जिन कैनबरा विमानों का इस्तेमाल कर रहा था वे पुराने हो चुके थे और दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ सकता था। जासूसी उपग्रह भी उस समय भारतीय सेना के लिए एक दूर का सपना था, इसलिए भारत ने सहर्ष सोवियत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1981 में MiG-25 जेट खरीदा। सौदा और विनिमय सभी बड़ी गोपनीयता में किए गए थे। वही समय था भारत सोवियत यूनियन से सैकड़ों एंटोनोव विमान प्राप्त किए थे। पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक और सैन्य सौदा माना था, लेकिन इन विमानों में MiG-25 के संघटक पार्ट्स भी थे। बाद में इन भागों को भारत में एकीकृत किया गया था। सौदे में भारत ने 10 फॉक्सबैट खरीदे, जिसमें 8 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर शामिल थे। इन विमानों को उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात किया गया और भारत ने इनके लिए अंडरग्राउंड बेस भी बनाया। उनके मिशन टॉप सीक्रेट थे। मिशन कमांडर के अलावा पायलट और तकनीकी अधिकारी को ही उनके मिशन की जानकारी थी। मिशन तब शुरू होता है जब मिशन कमांडर द्वारा बताए गए मार्ग, ऊंचाई और लक्ष्य जैसे मिशन के प्रमुख घटकों को तकनीकी अधिकारी विमान के कंप्यूटर में प्रोग्राम किया जाता है।
फिर पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के बाद चार अवेक्षण कमरों की सहायता से लक्षित स्थान के चित्र खींच लिए जाते हैं। यह कार्य विमान चालक के द्वारा अथवा विमान के कंप्यूटर में भरे गए पूर्व प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के सुरक्षा घेरे की तैनाती और उसके ठिकानों के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना था। वापस लौटने वाले जेट से इन चित्रों को लेकर इनका पुनः सूक्ष्म निरीक्षण और विश्लेषण करने के बाद प्राप्त सूचना को अत्यधिक गोपनीयता के साथ अत्यंत विश्वसनीय संचार के माध्यम से संबंधित उच्चाधिकारी तक पहुंचा दिया जाता था। उस समय MiG-25 प्रतिमाह इस प्रकार की 20 खुफिया निरीक्षण उड़ानें संचालित करते थे। अभियान की गोपनीयता को देखते हुए किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं की जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ विश्वसनीय चुनिंदा सैनिकों और इंजीनियरों को छोड़कर MiG-25 जेट और इसके अभियान से संबंधित किसी भी जानकारी को पूर्णतः गुप्त रखा जाता था। भारतीय वायुसेना के MiG-25 जेट पाकिस्तान पर नजर रखे रहे थे। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी प्रशासन इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते थे, किंतु उनके पास ऐसा कोई जेट विमान नहीं था जो MiG-25 जितनी ऊंची उड़ान भर सकता था। इसीलिए उन्हें इस जानकारी को अपने ही लोगों से गुप्त रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन 1997 की सोनिक बूम वाली घटना ने पाकिस्तानी जनता के सामने सभी रहस्यों से पर्दा उठा दिया। भारत ने बाद में न केवल पाकिस्तान के आधिकारिक दावों का खंडन किया बल्कि यह मानने से भी इनकार कर दिया कि एक भारतीय विमान इस्लामाबाद की जासूसी कर रहा था। MiG-25 जेट विमान जो पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान पर अध्वनि गति से नजर रखे हुए था, अचानक उस दिन सुपरसोनिक स्पीड में कैसा चला गया? उस दिन से लेकर आज तक यह प्रश्न अनबुझ पहेली बन चुका है। कहा जाता है कि विमान चालक ने पाकिस्तान की बेबसी पर से पर्दा उठाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान MiG-25 की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। इसका प्रयोग बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाए गए बंकरों में छिपे घुसपैठियों को खोजने और उन पर निगरानी रखने के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। इसके 1200 मिलीमीटर कैमरों द्वारा खींची गई तस्वीरें दुश्मन के सटीक ठिकानों का पता लगाने में पूर्ण रूप से कारगर थी। और फिर मिराज 2000 जेट विमानों का उपयोग करके दुश्मन के खुफिया ठिकानों पर बमबारी की गई बल्कि घुसपैठियों को पूरी तरह से सफाया भी कर दिया गया। लेकिन साल 2006 तक भारत को इन पुराने विमानों को सेवा से हटाना पड़ा। यह विमान न केवल काफी पुराने हो चुके थे बल्कि इनके पुर्जों की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या थी। इनके पुर्जों को रूस से आयात करना पड़ता था। इन सभी बातों के मद्देनजर रखते हुए भारत ने स्वयं ही के निरीक्षण उपग्रह का निर्माण करना शुरू कर दिया और निरीक्षण ड्रोन भी हासिल कर लिया। इस कारण से भारत ने MiG-31 के रूसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जो MiG-25 का अद्यतन संस्करण था। आज ये सुपरसोनिक जासूसी विमान दिल्ली के पालम संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन पर हैं। MiG-25 जैसे विमानों ने 25 वर्षों से भी अधिक समय तक निर्भीक होकर पाकिस्तान और तिब्बत पर न केवल खुफिया उड़ानें भरी बल्कि भारतीय सेना को कई खुफिया एवं महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई। वायुसेना ने कई और भी ऐसे खुफिया अभियानों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की है, किंतु इन अभियानों की खुफिया प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए विवरण जारी नहीं किया जा सका। हम मात्र आशा कर सकते हैं कि वायुसेना भविष्य में ऐसी कई रोचक और रोमांचक कहानियों को अनावरण करेगी। जय हिंद।